हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी वर्किंग को तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। आज उसी को और बेटर एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सो टुडे फर्स्ट वी स्टार्ट विद स्विच स्टेटमेंट, और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने प्रोग्राम लिखा कि मान लीजिए एक प्रोग्राम की एग्जांपल लेते हैं। हमने सबसे पहले ये प्रोग्राम बनाया मेन, ठीक है। फिर यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर आई इक्वल टू टू। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज किया, स्विच आई, और यहां से स्विच की बॉडी शुरू हुई तो हमने लिखा केस वन। केस वन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहां हमने लिखा आई एम इन क्लास वन। तो हमने लिख दिया आई एम इन क्लास वन, और स्लैश एन देके ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक दे दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रेक देना क्यों ज़रूरी है, ये पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब केस टू हो गया, केस टू में फिर हमने दिया प्रिंट एफ आई एम इन क्लास टू स्लैश एन दे के फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। फिर केस थ्री हमने कहा, केस थ्री प्रिंट एफ किया आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास थ्री, फिर स्लैश एन दे दिया। स्लैश एन का मतलब अगली जो लाइन प्रिंट होगी वो नई लाइन में प्रिंट होगी, और यहां फिर हमने ब्रेक दे दिया, ठीक है। और डिफॉल्ट केस में तो यहां लिखा डिफॉल्ट और प्रिंट एफ दे दिया, यहां हमने लिख दिया आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और यहां पे ये स्विच की बॉडी बंद हो गई और ये मेन की बॉडी बंद हो गई। अब देखिए, इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू हमने टू दिया हुआ है तो केस टू एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंट होगा आई एम इन क्लास टू, ये लाइन प्रिंट होगी और ब्रेक की वजह से प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट इस प्रोग्राम का हमको मिलेगा आई एम इन क्लास टू, ठीक है। यानी आउटपुट जो मिलेगा इस प्रोग्राम का वो हमको सिंपली ये स्क्रीन पे आएगा आई एम इन, आई एम इन क्लास टू, ठीक है। अब द ऑपरेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट कैन बी बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो अब अगर इसी प्रोग्राम को या किसी भी स्विच स्टेटमेंट को अगर आपको फ्लो चार्ट की मदद से समझना है तो पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और साथ ही साथ हम उसका स्विच स्टेटमेंट में प्रोग्राम भी बना देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा इसे स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब सब उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, ठीक। तो ये किया हमने यहाँ पे केस वन, उसके बाद हम क्या लेंगे केस टू, फिर हमने चेक किया यहाँ पे कंडीशन केस थ्री, और फिर यहाँ हम चेक करेंगे केस फोर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप आ जाइए केस वन पे, केस वन पे क्या होगा, यहाँ हमने लिखा केस वन। अब केस वन हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये यस होगा, इफ दिस इज यस,
तो क्या होगा, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया स्टेटमेंट वन, ये हमने लिख दिया स्टेटमेंट वन, जो भी स्टेटमेंट वन में हमने दिया हुआ है, ठीक, ये हमने कर दिया। उसके बाद मान लीजिए अगर ये नो हुआ, केस वन नहीं है, तो फिर क्या चेक होगा, केस टू चेक होगा, केस टू अगर ये यस है तो क्या होगा, यहाँ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू, ठीक। उसके बाद मान लीजिए केस टू भी नहीं है, यहाँ नो किया हमने, तो फिर यहाँ चेक किया हमने केस थ्री, ठीक है, ये यस होगा तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट थ्री, ये हो गया स्टेटमेंट थ्री। और मान लीजिए केस थ्री भी नहीं है, तो फिर उसके बाद नो पे फिर केस फोर पे आ जाएंगे, तो यहाँ हमने लिखा केस फोर। ऐसे डिफरेंट केसेस को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब केस फोर अगर ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट फोर एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ लिख देंगे स्टेटमेंट फोर, ये लिख दीजिए स्टेटमेंट फोर, ठीक। और इन चारों ये जो रिजल्ट आया है इनको आप क्या कीजिए, इनको आपने कंबाइन कर दिया एक सिग्नल पे, और यहाँ के बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आइए केस फोर, अगर मान लीजिए केस फोर भी नो है, तो अगर इन सारे केसेस में कोई भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कनेक्टर दे दीजिए, अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो वो भी यहाँ से आके यहाँ पहुँचेगा प्रोग्राम का कंट्रोल, क्योंकि अब इसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप ही हो जाना है, और लास्ट में आप यहाँ दे देंगे स्टॉप, ये आपने दे दिया स्टॉप। तो स्विच स्टेटमेंट इस तरह काम करता है। अब इसमें क्या होगा, देखिए केस वाइज हम आपको इंडिकेट करते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो अब इसमें आप क्या कीजिए, आप यहीं पे आप इसका प्रोग्राम लिख लीजिए, तब आके आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मान लीजिए हमने इसका प्रोग्राम यहाँ लिखा से स्विच, यहाँ लिखा हमने चॉइस, ठीक है, चॉइस वेरिएबल के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब यहाँ हमने लिख दिया केस वन, केस वन में क्या होगा, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ हमने लिखा स्टेटमेंट वन और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर केस टू आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे केस टू। अब केस टू में जो भी स्टेटमेंट देने हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिए स्टेटमेंट टू, और फिर ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे केस थ्री दे दीजिए केस थ्री, और ये हो जाएगा स्टेटमेंट थ्री और ब्रेक हो जाएगा, फिर केस फोर, ठीक है, और केस फोर में क्या होगा, यहाँ पे आप चूंकि केस फोर लास्ट स्टेटमेंट है केस है, तो यहाँ पे केवल आप दे दीजिए स्टेटमेंट फोर बस, और यहाँ पे स्विच के बॉडी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा इस केस में कि केस वन जब एग्जीक्यूट होगा, तो केस वन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है, तो जब केस वन एग्जीक्यूट होगा तो ये कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होके, मान लीजिए हम आपको ऐसे समझा देते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आ गया आपका केस वन, ठीक है, तो केस वन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद केस टू पे आइए, तो अगर केस टू एग्जीक्यूट होना होगा तो फिर केस टू यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, ये आए, ये मान लीजिए ये हो गया केस टू। इसी तरह केस थ्री एग्जीक्यूट होगा, ये आ गया केस थ्री, और अगर इन तीनों केसेस में से कोई केस नहीं है तो लास्ट में क्या होगा, केस फोर एग्जीक्यूट होगा, तो केस फोर आप बना दीजिए यहाँ पे इस तरह, और ये हो गया आपका केस फोर।
ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट जो है इस तरह से काम करता है कि जो भी उसका यहाँ पे आप चॉइस वेरिएबल में जो भी वैल्यू देंगे यहाँ पे, ठीक है, वो अगर वन है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, वो अगर टू है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा, वो अगर थ्री है तो थ्री, और नहीं तो फिर केस फोर। तो इस तरह से अगर आपके पास सेवरल केसेस में से कोई केस सेलेक्ट करना हो तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू।